विद्यार्थियों, आज हम इस सत्र की प्रथम कक्षा में संस्कृत साहित्य बीए पार्ट फर्स्ट में द्वितीय प्रश्न पत्र के व्याकरण शास्त्र की प्राचीन परंपरा के बारे में अध्ययन करेंगे। संसार की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत ही सबसे प्राचीनतम भाषा है। यह भाषा संसार की सभी भाषाओं की आधारभूत, वैज्ञानिक और दोष रहित भाषा है। विश्व का प्रथम साहित्य ऋग्वेद इसी भाषा में उपलब्ध होता है, अर्थात विश्व की लाइब्रेरी जो है उसकी प्रथम पुस्तक जो ऋग्वेद है वो भी संस्कृत भाषा में ही लिखित है। ज्ञान और विज्ञान की समग्र शाखाओं में संस्कृत साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। संश्लेषण और विश्लेषण के रूप में विशिष्टता के कारण, अत्यधिक उन्नत होने के कारण आधुनिक युग में कंप्यूटर के लिए भी संस्कृत भाषा ही अन्य सब भाषाओं से अधिक उपयोगी सिद्ध हो रही है। किसी भी भाषा का यदि अपने को ज्ञान प्राप्त करना है तो उस भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि उस भाषा के व्याकरण को समझा जाए, क्योंकि व्याकरण ही वह शास्त्र है जो भाषा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अर्थात भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन यदि करना है तो व्याकरण का अध्ययन उसके लिए अत्यंत आवश्यक है। उससे उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं उनका निवारण भाषा के शुद्ध रूप की रक्षा करता है। संस्कृत जैसी विशिष्ट भाषा के ज्ञान के लिए तो व्याकरण का ज्ञान नितांत अपेक्षित है। व्याकरण के ज्ञान के बिना कोई भी भाषा का ज्ञान हम वास्तविक रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। प्राचीन साहित्य में वेद के 6 अंगों में व्याकरण को मुख बताकर इसकी प्रधानता सिद्ध की गई है। जैसे कि कहा भी गया है, छंदे पादो तु वेदस्य हस्तो कल्प अत पठ्यते ज्योतिषाम आयनम चक्षु निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम तस्मात् सांगम आदित्यव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात जो व्याकरण शास्त्र है, जो प्राचीनतम साहित्य है, उसका जो मुख्य ग्रंथ है वेद, उस वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पना करके 6 अंगों की कल्पना की गई है। छंद जो है वो उस वेद के पांव माने गए हैं, कल्प है उनको हाथ माना गया है, ज्योतिष है उसको चक्षु माना गया है, निरुक्त को कान की उपमा दी गई है, शिक्षा को नासिका माना गया है और व्याकरण को उस वेद रूपी पुरुष का मुख माना गया है। कहते हैं इस प्रकार से जो ये 6 अंग है वेद के, इनको यदि 6 अंगों सहित कोई व्यक्ति अध्ययन करता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो मोक्ष का अधिकारी होता है। व्याकरण शास्त्र का महत्व इसलिए भी है कि जब तक व्याकरण शास्त्र का अपने को ज्ञान नहीं होता है तब तक अपन शब्दों को या भाषा को शुद्ध रूप में लिख भी नहीं सकते और उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते। इसमें कई तरह की त्रुटियां होने की संभावना होती है, इसलिए व्याकरण शास्त्र को हर व्यक्ति को अवश्य पढ़ना चाहिए, चाहे वह किसी भी भाषा को हो। जहाँ तक संस्कृत भाषा की बात है, इसके महत्व को बताते हुए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि यद्यपि बहुनादिसे तथापि पठ पुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो मा अभूत सकलम शकल शक्र चक्र। अर्थात एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि हे पुत्र, तुम ज़्यादा नहीं पढ़ते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन व्याकरण को पढ़ो, क्योंकि व्याकरण को यदि पढ़ोगे ना तो स्वजन है वो स्वजन नहीं बनेगा। स्वय का मतलब होता है अपना व्यक्ति और स्वजन का मतलब होता है कुत्ता। तो यदि दंते सकार की जगह आप तालव्य सकार का यदि प्रयोग कर देते हैं तो अपना व्यक्ति जो स्वय शब्द है, अपनत्व का वाचक है, उसका अर्थ स्वय यानी कुत्ता निकलता है। तो जहाँ अपना आदमी कुत्ता नहीं बन जाए। दूसरा कहते हैं सकलम शकलम, सकल का मतलब होता है संपूर्ण और शकल का मतलब होता है खंड। तो अशुद्ध रूप में यदि लिखेंगे, स्वय की जगह यदि स्वय का प्रयोग करते हैं तो जो पूर्ण अर्थ देने वाला शब्द है उसका अर्थ खंड हो जाता है। इसी प्रकार जो सकृत शब्द है, सकृत का मतलब होता है एक बार, वो सकृत हो जाता है। सकृत का मतलब मल, मैल। इसलिए कहते हैं व्याकरण शास्त्र का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है।
व्याकरण शास्त्र की यदि परंपरा की अपन बात करते हैं तो सबसे पहले व्याकरण शास्त्र के प्रवर्तक आचार्यों में ब्रह्म का नाम आता है, अर्थात जिस प्रकार ब्रह्म के उच्छ्वास से वेद प्रादुर्भूत माने गए हैं उसी प्रकार व्याकरण शास्त्र के आद्य प्रवर्तक भी ब्रह्म ही माने जाते हैं। स्वयं महाभाष्य में पतंजलि ने कहा है कि ब्रह्म बृहस्पतये प्रोवाचे बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भारद्वाजाय भारद्वाज ऋषिभ्य ऋषियो ब्राह्मणेभ्य च, अर्थात ब्रह्म ने सबसे पहले बृहस्पति को इस व्याकरण शास्त्र का उपदेश दिया, बृहस्पति ने इसका उपदेश इंद्र को दिया, इंद्र ने भारद्वाज को दिया, भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया, ऋषियों ने फिर इसका ज्ञान ब्राह्मणों को दिया। इस प्रकार ब्रह्म से लेकर प्राणिनि तक अनेकों मुनियों ने व्याकरण की रचना की है। आचार्य युधिष्ठिर मीमांसक तो पाणिनि से पूर्ववर्ती 85 व्याकरण हुए हैं ऐसा प्रमाण कहते हैं। दूसरे जो आचार्य आते हैं वो व्याकरण के सर्व प्रमुख जो आचार्य हैं उनमें पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि का जो समय है वो ईसा पूर्व 500 वर्ष है और इनका प्रमुख ग्रंथ है अष्टाध्यायी। संस्कृत के व्याकरण ग्रंथों में ये अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसके पश्चात आता है वर रुचि कात्यायन, ये पाणिनि के समकालीन थे और इनकी प्रसिद्धि वार्तिककार के रूप में हुई है। वार्तिककार इनको इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है पाणिनि का उसके ऊपर वार्तिक लिखे हैं। वार्तिक से तात्पर्य यह है कि पाणिनि ने जो भी सूत्र लिखे हैं उन सूत्रों में कोई बात कहने से छूट गई है, अधूरी रह गई है, उसकी पूर्ति करने के लिए इन्होंने अलग से सूत्र लिखे हैं जिनको वार्तिक कहा जाता है। अर्थात मुख्य सूत्र की पूर्ति करने के लिए, उसकी व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए जो सूत्र लिखे गए हैं उनको वार्तिक कहा जाता है, अर्थात मुख्य सूत्र के ये पूरक सूत्र हैं। इसके पश्चात नाम आता है तीसरा पतंजलि का, इन्होंने महाभाष्य की रचना की है। इनके बारे में एक प्रसिद्धि है कि इन्होंने तीन तरह के ग्रंथ लिखे हैं जिसके बारे में कहा गया है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य चावेद्यकेन यो अपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्राञ्जलि आनतोस्मि। अर्थात योगेन चित्तस्य, व्यक्ति के शरीर में तीन प्रकार के दोष माने गए हैं। एक तो चित्त के दोष होते हैं, तो पाणिनि ने अपने ग्रंथ के माध्यम से चित्त में आने वाले दोषों का निवारण करने के लिए योग सूत्र की रचना की है। योगेन चित्त से पदेन वाचाम, पद शास्त्र का या व्याकरण शास्त्र की रचना करके इन्होंने वाणी के जो उच्चारण संबंधी दोष है, लेखन से संबंधी जो दोष है, भाषा की जो शुद्धता है उसका उपदेश किया है। और मलम शरीर से चैवेद्यकेन, शरीर के जो मल है वात पित्त और कफ तीन प्रकार के दोष शरीर में माने गए हैं उनकी जो शुद्धि है उसके लिए उन्होंने आयुर्वेद शास्त्र का ग्रंथ लिखा है। तो ऐसे जो श्रेष्ठ मुनि है उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ, ऐसी अपनी भारतीय साहित्य की मान्यता है। इसके पश्चात नाम आता है महाभाष्य, अर्थात ये जो तीन ग्रंथ हैं इनके, पहला इनका महाभाष्य है, दूसरा योग सूत्र है और तीसरा चरक संहिता माना जाता है। अर्थात चरक संहिता जो आयुर्वेद का ग्रंथ है, आचार्य चरक को इसका प्रणेता माना जाता है। तो इस व्याख्या से हमको ऐसा प्रतीत होता है कि जो पतंजलि है उन्हीं का दूसरा नाम चरक था और पतंजलि शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग, जिन्होंने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का वध करके राज्य पर अधिकार किया था, ये इनके समकालीन थे। अगले आते हैं जयादित्य वामन, इन्होंने अष्टाध्यायी पर काशिका वृत्ति लिखी है, अर्थात अष्टाध्यायी को स्पष्ट करने के लिए काशिका वृत्ति नामक टीका व्याख्या लिखी। इनका भी रचनाकाल 650 से लेकर 700 ईस्वी के मध्य माना जाता है। इसके पश्चात नाम आता है भर्तृहरि, ये एक दार्शनिक भी थे, वैयाकरण भी थे और राजा भी थे। इनका प्रमुख ग्रंथ है वो वाक्यपदीयम है, अर्थात व्याकरण शास्त्र के ऊपर ही इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया है। आगम प्रकीर्ण और वाक्य ये तीन इस ग्रंथ के भाग है, इसमें विवर्तवाद और स्फोटवाद का प्रतिपादन भी किया गया है।
अगले आचार्य आते हैं सिद्धांत कौमुदी प्रणेता भट्टोजी दीक्षित, अर्थात इन्होंने लघु सिद्धांत वो जो अष्टाध्यायी है उसके ऊपर उन्होंने सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की है। इसी ग्रंथ पर प्रौढ़ मनोरमा नामक एक वृत्ति भी इन्होंने लिखी है, अर्थात सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा इन दोनों के प्रणेता एक ही भट्टोजी दीक्षित माने गए हैं। वरदराज भट्टोजी दीक्षित के शिष्य थे और इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को और सरल बनाने के लिए लघु कौमुदी तथा मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। इनका भी समय 1750 ईस्वी के लगभग माना जाता है। इसके पश्चात जो व्याकरण के उपयोगी जो शब्द हैं उन पे अपन चर्चा करेंगे। व्याकरण सबसे पहले हम देखते हैं कि व्याकरण क्या है, तो व्याकरण की परिभाषा देते हुए महाभाष्य में लिखा गया है व्याक्रियंते शब्दा व्युत्पाद्यंते शब्दा अनेन इति व्याकरण, अर्थात जिस शास्त्र के द्वारा शब्दों के शुद्ध स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है उस ग्रंथ को व्याकरण कहा जाता है। महाभाष्य के अनुसार लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, ये उसकी व्याकरण की परिभाषा दी गई है। लक्ष्य अर्थात उदाहरण, लक्षण अर्थात सूत्र, किसी भी सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उसका उदाहरण दिया जाता है। सबसे पहले इसको सूत्र लिखे गए हैं और सूत्रों के बाद उदाहरण देकर उसको स्पष्ट किया गया है। लक्ष्य लक्षण व्याकरण अर्थात लक्ष्य अर्थात उदाहरण और लक्षण अर्थात सूत्र, तो उदाहरण और सूत्र के रूप में जो ग्रंथ का प्रतिपादन करता है उसको व्याकरण कहा जाता है। अगला शब्द आता है सूत्र। सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र की परिभाषा देते हुए विद्वानों ने कहा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सार्वद विश्वतोमुखम अस्थोभम अन्वद्यम च सूत्रम सूत्र कृतो विदु, अर्थात सूत्र होता है उसकी सबसे पहली विशेषता ये होती है अल्पाक्षर होना चाहिए। अल्पाक्षर मतलब गागर में सागर भरना, जो बात अधिक शब्दों में कही गई है लंबे चौड़े शब्दों में कही गई है उसको कम से कम शब्दों में समाहित करना ताकि वो याद करने में आसानी रहे। दूसरा आता है असंदिग्ध होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। सार्वत सार्थक होना चाहिए। विश्वतोमुखम संपूर्ण अर्थों को समाहित करने वाला होना चाहिए। और अस्थोभम अनवद्यम च इन छह विशेषताओं से जो युक्त होता है वह सूत्रम सूत्र कृतो विदु, उसको सूत्र के जानने जानकार जो विद्वान है उसको सूत्र कहते हैं। इसी प्रकार ये जो सूत्र हैं वो छह प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? संज्ञाम च परिभाषाम च विधिर नियम एव च अतिदेशो अधिकारस्य षड्विधम सूत्र लक्षणम, अर्थात संज्ञा परिभाषा विधि नियम अतिदेश और अधिकार, ये छह इन सूत्रों के लक्षण माने गए हैं। अगला शब्द आता है इसमें व्याकरण से संबंधित वार्तिक। वार्तिक किसे कहते हैं? वार्तिक से तात्पर्य है मूल सूत्र में या तो कोई बात उक्त है या कही गई है या वो अनुक्त है अर्थात कही नहीं गई है, और तीसरी है दुरुक्त जिसका दो बार कथन किया गया है, तो ये संदेह होता है कि दोनों में से किसका यहाँ पर ग्रहण किया जाए और किसका ग्रहण नहीं किया जाए। तो इन तीनों का उक्त अनुक्त और दुरुक्त का जहाँ चिंतन किया जाता है उसको वार्तिक कहते हैं, या दूसरी परिभाषा के रूप में अपन इसको देखें तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि कोई तथ्य पाणिनि द्वारा कहने से यदि छूट गया है, किसी बात का वर्णन करने से अधूरा रह गया है, ग्रंथ में जिसका उल्लेख नहीं हो पाया है, उसकी कमी आने वाले समय में आचार्यों को हुई तो उन्होंने उसकी पूर्ति करने के लिए एक पूरक सूत्र लिखा है जो मूल सूत्र की व्याख्या करता है, उसको वार्तिक कहा गया है, उसका वर्णन इसमें वार्तिक में किया जाता है। नेक्स्ट है भाष्य। ग्रंथ में जो चीज़ लिखी गई है उल्लेख किया गया है, सूत्र में आए हुए पदों से सूत्रार्थ का वर्णन किया जाता है, अर्थात जो मूल सूत्र है उसकी भाषांतर के रूप में जो अर्थ किया जाता है समझाया जाता है उसको विस्तृत किया जाता है उसको भाष्य कहा जाता है। एक प्रकार से मूल ग्रंथ की व्याख्या करना, ये इसकी संक्षिप्त परिभाषा है। तीसरा है माहेश्वर सूत्र। माहेश्वर सूत्र क्या है? देखिए पाणिनि ने जो अष्टाध्यायी लिखी है ये माहेश्वर सूत्र उसका मूल आधार है। ऐसा माना जाता है कि शिवजी ने जब तांडव नृत्य किया था
और उस तांडव नृत्य के उपरांत अंत में जब अपना डमरू बजाया तो कहते हैं उस डमरू में से 14 ध्वनियाँ निकली थी उसमें से। वो 14 ध्वनियाँ कौन कौन सी है उनके बारे में वर्णन करते हुए ग्रंथकार ने लिखा है, नृताव साने नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंचवारम, नव और पंच मतलब नौ और पाँच 14, उद्धर तो काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्श शिव सूत्र जालम। अर्थात नृत्य के अंत में नटराज शिवजी ने अपने जो डमरू थे उसको 9 और 5 यानी 14 बार उसको बजाया, तो उसमें से जो ध्वनियाँ निकली, सूत्रों का जो जाल निकला, उस सूत्र को, उन सूत्रों को पाणिनि ने समझ के अन्य ऋषियों के ज्ञान के लिए उसको ग्रंथ के रूप में लिपिबद्ध किया है। पाणिनि ने इन 14 सूत्रों को शिवजी के डमरू से निस्सृत ध्वनियों से ही प्राप्त किया था। ये 14 सूत्र कौन कौन से हैं इनको यदि अपन देखें तो इन 14 सूत्रों में सबसे पहले स्वर जो आते हैं, क्योंकि जो वर्ण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने स्वरों का समाहार किया है। तो पहला सूत्र है इसमें ए ई ऊ ण, दूसरा है री रि क, तीसरा है ए ओ ङ, चौथा है ऐ औ च, पांचवा है ये व र ट, छठा है ल ण, सातवा है यमङ णनम, आठवां है झवय, नवा घ ड दश, दसवां है ज ब ग ड दश, ग्यारहवां है ख फ छ ठ थ च ट त व, बारहवां है क प य, तेरहवां श ष स र, और 14वां है हल। अब इन 22 सूत्रों के ऊपर अपन यदि दृष्टि डालें तो इनमें देखिए कि ए ई ऊ ण रील रि के ऐ ओंग ऐ औ च ऐसे लेके च तक ये सारे वर्ण स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इसमें स्वरों का समाहार होता है। तो अच कहने का मतलब है इसमें सारे स्वर आ गए। पांचवें में है से लेकर 14वें के लास्ट में ल तक है और ल, हल कहने का मतलब इसमें सारे व्यंजन वर्णों का समाहार हो जाता है। हयवरट लण यमंगणनम जवय गढ़दस जबगढ़दस खपचट थैच टतव कपय शस्वर और हल। तो इस प्रकार से अच का मतलब स्वर और हल का मतलब व्यंजन। ये 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। इन दोनों का, जितने भी ये स्वर और व्यंजन होते हैं, इन सभी का समाहार करते हुए पाणिनि ने ये 14 सूत्र लिखे हैं। और इन सूत्रों को लिखने के बाद में इन सूत्रों के अंत में इनकी वृत्ति के रूप में पाणिनि ने लिखा है, इति माहेश्वराणी सूत्राणी। ये 14 माहेश्वर सूत्र है। इनको माहेश्वर सूत्र इसलिए कहते हैं कि महेश यानी शिवजी उनके डमरू की ध्वनि से निस्तृत है, इसलिए इनका नाम ही माहेश्वर सूत्र है। और अनादि संज्ञार्थानी, अण आदि इनकी संज्ञा होती है। पहला जो सूत्र है ए ई ऊ ण, इसमें से प्रथम वर्ण ले लीजिए ए और अंतिम वर्ण ले लीजिए ण, तो ये एक प्रत्याहार बन गया अण। तो इनके अण आदि संज्ञा होती है, ऐसे लेके ण तक के सारे वर्ण इसमें आ जाते हैं। अण कहने का मतलब उसमें ए ई ऊ इन तीनों का समाहार हो जाता है। ण भी इसमें शामिल है लेकिन ण अंतिम वर्ण होने के कारण उसका लोप हो जाता है। उसकी प्रत्याहार निर्माण करने में ही सार्थकता है, वर्णों में उसकी गणना नहीं होती है। आगे कहा कि ऐसाम अंत्या इच्छात, इन माहेश्वर सूत्रों के, ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इनके जो अंतिम वर्ण हैं उनकी इत संज्ञा होती है। कैसे होती है? पहला सूत्र देखिए आप, ए ई ऊ ण, इसमें अंतिम वर्ण आ रहा है ण, तो इसकी इत संज्ञा हो जाती है। और तस्य लोप, आगे एक सूत्र आएगा उससे इसका लोप हो जाता है। हकारादि से अकार उच्चारणार्थ, आगे जो वर्ण आ रहे हैं व्यंजन वर्ण हकार आदि है, उनमें जो अ है वो केवल उच्चारणार्थ रहता है। ये सारे के सारे 14 माहेश्वर सूत्र है और इनका प्रयोजन केवल प्रत्याहार निर्माण करना है। अर्थात प्रत्याहार का निर्माण करना एक तरह से वर्णों का समूह है। ये जैसे अण कहने का मतलब है अ ई ऊ ण, ये 4 वर्ण आ गए इसमें।
अच कहने का मतलब है ए ई ऊ रील री ए ओ ये सारे वर्ण आ गए उसमें। तो इनका उद्देश्य प्रत्याहार निर्माण करना है। धन्यवाद।